ने अपनी फैमिली की कितनी सपोर्ट करी। हमेशा से तुम लोगों ने मोहर लगा रखी, अब 15,000 के कोट पेंट के असली चेहरा सामने आ ही जाएगा। डॉलर कमाने के लिए इंसल्ट करने में भी पीछे नहीं हटती है, मदर को भी नहीं छोड़ती है। कैसी हो आप सब लोग, एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। एक बार फिर से आपका स्वागत है डिंपल व्लॉग्स पर। तो अभी जो मैं आप लोगों के साथ ही एक छोटू सा पिदकू सा वीडियो शेयर करने वाली हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग इसमें जरूर से अपनी सजेशन दोगे और भर भर के लाइक भी जरूर से करोगे, है ना जी। तो करते हैं अपने अभी का ये जो वीडियो है या फिर टॉपिक है वो स्टार्ट। ऐसा हुआ एक्चुअली, मैंने दोबारा से कुछ एपिसोड वॉच करे और मेरे साथ कुछ वीडियो जो है शेयर हुई, शॉर्ट वीडियो किसकी पुतन की। उसके ऊपर बात करने से पहले आपसे मैं बात करना चाहती हूँ कि अभी रिसेंट 3 दिन पहले की बात है, रिसेंट नहीं है, 3 दिन पहले की बात है, एक एपिसोड शेयर हुआ था इमोशनल हम लोगों के साथ, जिसमें कि मदर इंडिया जो है वो रोती हुई दिखाई पड़ रही थी, है ना। लेकिन उनके डीपली जो वर्ड्स थे ना, वो शायद कोई इतना नहीं समझ पाया। एक्चुअली में वो उन्होंने पंजाबी लैंग्वेज में वो चीज़ बात कर रखी थी, है ना। तो मेरे को लगा कि शायद मुझे इस पे बात करनी चाहिए, मुझे लगा तो शायद आप लोगों को भी ये बात समझ में आएगी कि कैसे बच्चे जो है ना अपनी मदर को भी बेवकूफ बनाते हैं, है ना। अपनी मदर का खैर ये लोग स्टार्टिंग से उनको एक्सपोज करते रहते हैं, है ना, वहां पर, जैसे अभी गुलाब सिंह भी कर रहा है अपनी ही वाइफ को, है ना। लेकिन बाद में बात करते हैं उन सब के ऊपर, फिलहाल तो मदर के ऊपर भी मजाक बनाने से बाज नहीं आती है, झूठी, है ना। एक्सपोज भी स्टार्टिंग से इसी ने करना स्टार्ट किया था। अभी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने रिसेंट अभी आप लोगों के साथ जो एपिसोड शेयर किया है ना, इससे पहले उसमें मैंने बताया है कि इसने अपनी मदर को फ्रंटनी बोला है कि वो बाहर ही घूमती रहती है, उनको बाहर का ही काम पसंद है, घर का नहीं वो करना पसंद करती है, अंदर का काम, जैसे कि अंदर का काम करने में जैसे फ्रिज साफ करना या किचन का कोई काम। हालांकि आप लोगों ने देखा होगा, किचन हो चाहे घर के अंदर के काम, वो ज़्यादातर मदर ही निपटाती हैं इनकी, है ना। मॉर्निंग से वो उठ जाती हैं, खाना बनाने से लेके ऑफिस जाने से पहले वो सारा खाना बना कर जाती है, है ना। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी मैंने देखी है कि इमोशनल, वेरी इमोशनल एपिसोड का वो जो एक सीन था ना, जिसमें इसने अपनी मदर को एक्सपोज करने की कोशिश की है, उसमें सबसे पहले काम भी वही कर रही थी जाने की मदर। मोटू भी सेम उसी जगह पर था, है ना, क्योंकि मोटू की एक हल्की सी आवाज है कि खाना चूल्हे पर बना लो, है ना। चटकोरा नंबर वन है वैसे वो, इमोशनल मोमेंट में भी ना ऐसे हंसी वाली बातें कर ही लेता, अपनी चटकोरी जीभ की बातें कर ही लेता है वो, है ना। वहां पर ये बात हुई कि मदर जो है अपनी बहू के भी कपड़े समेट रही है, वो झूठी के, पुत्तन के, सबके कपड़े वो समेट रही है। पहले वो बाहर तय बना रही थी, फिर घर के अंदर आकर उसने तय बनाई, रात के कोई 8 बज गए, 8 बज गए या 7 बज गए ऐसे कुछ। फिर दोनों बहनों ने मिलकर एक तड़का लगाया, कितना टाइम, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता, और वो हमेशा से उसको ये लोग खाती हैं। अभी फिलहाल तो वो जो आई हैं चंपा कली के लिए तो अभी तक वो नहीं बना। अच्छा, मैं जब एपिसोड बनाती हूँ ना, मुझे हिचकी भी आने लग जाती साथ साथ, ऐसा लगता पता नहीं ये याद करती हैं कि हमारे ऊपर ही बात हो रही है ना। वहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी है कि मदर क्यों इमोशनल हो गई थी। मैंने फिर बहुत ही ध्यान से गौर से सुना, मदर ने सीधी सीधी और साफ बात करी है। मदर ने उसमें ये बोला है, मदर इसको पास नहीं बुलाना चाह रही, मदर का कहना है कि अपनी माता का, अपनी बीबी का ध्यान रखो, जानी कि वहाँ पर वो मोटू को ये चीज़ बोल रही है और वहाँ पर वो झूठी को बोल रही है कि अपनी बेस्ट फ्रेंड का तुम ध्यान रखो, आकर उनकी कोई सेवा सुश्रूषा जो भी कहते हैं हिंदी में, है ना, मतलब कि पंजाबी में बोलती है सेवा सुवा करो तुम आके, है ना, कुछ ऐसा ही वो चाहती थी कि इसलिए अब तुम लोग पास आ जाओ। पास में ये होगा कि कम से कम जल्दी से आ तो गए या फिर यहीं आके रहो, क्योंकि आप लोगों को पता हिमाचल में भी तो IIT है, ऐसा कुछ, है ना। वो चाहती हैं कि आप जॉब भी चेंज कर लो, लेकिन इनके भी फ्यूचर की बात है, बड़ी मुश्किल से तो वहाँ की जॉब मिली है। और वहाँ पर जो मदर कहते हुए रो पड़ी थी, वो सीन ये था कि जब हम, जहाँ पर आदमी की अंतिम यात्रा जो है ख़त्म हो जाती है जाकर, वहाँ वो सब चीज़ें हो चुकी होंगी, तो हम आपको मिलने वाले नहीं हैं, फिर क्या फ़ायदा तुम्हारा आने का। तो वहाँ पर मदर जो है, बात तो वो बिल्कुल सही कर रही थी,
लेकिन उनका ये दिखाना कि झूठ बोलना, ये समझाना अपने व्यूअर्स को कि देखिए मदर हम लोगों को लेकर इमोशनल हो गई है, नहीं ऐसा नहीं था। वो जो बात कह रही थी वो अपनी बेस्ट फ्रेंड, अपनी सिस्टर जिसको चुन्नी उन्होंने बदल कर अपनी मुंह बोली बहन बनाया, वो उसके लिए कह रही थी। कहीं ना कहीं ये मदर जो हैं उनका रोना वो इसलिए भी निकल आया कि देखिए बच्चे जो हैं जिम्मेदारियों से निपट गई हैं, ये मदर तो वो मदर भी निपटी हुई हैं जिम्मेदारियों से। मतलब कि ये जहाँ पर ये दिखा रही थी कि मोटू वहाँ गए हैं, मोटू वहाँ गए, मोटू कहीं नहीं गए, मैंने पहले भी बोला है मोटू अभी भी नहीं गए हुए थे, मोटू मामा के घर भी गए इनके साथ ही, मोटू जो है रात में भी वही माँ जो कपड़े तय बना रही है वहां पे भी मोटू ही है ना, सब जगह है। लेकिन वो मोटू को समझा रही थी। अब मुझे बताइए मोटू ने अपने जो है मायके वालों के साथ क्वालिटी टाइम क्यों स्पेंड नहीं किया वहां पर? अब आप देखिए कि झूठी जो है वो भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, ये क्वालिटी वर्ड जो है ना डिंपल विलोक से दिया गया, बट टाइम स्पेंड करते रहते हो, मैंने कहा था क्वालिटी टाइम स्पेंड किया करो तभी तो जिंदगी में कुछ अलग होगा, तभी से ये भी कहने लगे क्वालिटी टाइम। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने पेरेंट्स के साथ उसने क्वालिटी टाइम स्पेंड करने मोटू मायके क्यों नहीं गया, है ना? मोटू की आवाज तुम कितना कट कर लोगी, जहां तो पूरी कट करो, लेकिन हल्का सा झोंका हवा का जरूर से दिखाना होता है इसको, ताकि सब लोग जो है वो बात करें मोटू के ऊपर। मोटू मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, छत के ऊपर बैठा धूप सेक रहा है, बाहर वेड़े में बैठा धूप सेक रहा है, मम्मी एक तरफ से 3 दिन बाद यानी कि कल ये बोल रही है मम्मी जो है बाहर के काम करना पसंद करती है, हल्के फुल्के काम करना पसंद करती है, लेकिन 3 दिन के पहले के एपिसोड में मम्मी सारा घर का ही काम करती है, या शुरू से देखा है कि मम्मी ही काम करती है। अब ये मम्मी मम्मी बहुत हो गया, मैंने आप लोगों को बता दिया एक्चुअली में मम्मी क्यों इमोशनल हुई थी, ठीक है? मम्मी इनको लेकर इमोशनल नहीं हुई थी, मम्मी के पास ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, है ना? तो वही बात है, बेशक वो उनमें वितकरा करती हैं, भेदभाव रखती हैं, है ना बच्चों में, तो लेकिन खुद से वो माँ तो माँ ही होती है, माँ के ऊपर ज्यादा बात अब नहीं करती है क्योंकि उस माँ ने उस माँ का दर्द समझ लिया, इसलिए उसने मोटू को ये बातें सुनाई हैं कि भाई तू कुछ अकल कर ले थोड़ी मोटू। मोटू को अकल ही नहीं है, वो तो जनानियों में जनाना बना बैठा ही रहता है ना। अब तो मैंने भी ये बात कह ही थी, वहां पर झूठी है, एक मदर इंडिया है, एक पुत्तन है, बीच में ये मोटू है, और वो कपल जो है हनीमून मनाने गया हुआ, वो वहां पे नाटक उसके शुरू हो रखे हैं वहां पर। अब गुलाब सिंह पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर पुत्तन पर करेंगे जिसने की स्टोरी शेयर करी है और वाह वाह लूट रही है वो, है ना? वो भी कम नहीं है, वो भी झूठी के झूठ में सहारा साथ दे रही है, पूरा सपोर्ट कर रही है झूठी को। और यहाँ पर गुलाब सिंह जो है ना चंपा को एक्सपोज कर रहा है, ठीक है? लेकिन वही बात आ जाती है ना कि उस बेचारी को तो पता भी नहीं है कि मैं चाहती हूं कि मेरे ये वाले सीन जो है वो ना आए सोशल मीडिया पर, मत दिखाइए आप। लेकिन गुलाब सिंह जो मानने वाला ही नहीं है, उतवाल उतावला बंदा है ना, वो तो सब दिखाएगा क्योंकि डॉलर छापेगा। अभी तक कम से कम ज्यादा नहीं तो 1.5 लाख के आसपास तो जी इनकम हो ही गई, आसपास नहीं लगभग 1.5 लाख के हो ही गई है इनकम, तो ये चाहते हैं कि 2 लाख वो क्रॉस कर जाए, है ना? क्योंकि अभी 10 दिन पड़े हैं ना, 10-11 दिन पड़े हैं अभी, 12 है ना, आज 19 तारीख है तो आप देख लीजिए 31 तक है ना, तो 12 दिन तो पड़े ही हैं, 12 दिन में भी और हो जाए जाने की 2 लाख जो है वो क्रॉस हो ही जाए, नहीं तो नियर बाय 2 लाख के हो ही जाए। तो आप समझ लीजिए 2 इंस्टॉलमेंट में ही शादी का जितना भी खर्चा हुआ है, जो जो हनीमून का भी जो टूर बना है इनका, है ना, तो ये सारा कुछ चंपा जो है 2 इंस्टॉलमेंट में ही इनको क्लियर कर देगी, आप लोगों के सामने ही है, आप समझ जाए इस बात को, ठीक है? आप लोग देख सकते हो कि आप मतलब वो पर्सनल बातें अपनी सोशल मीडिया पर नहीं दे सकते या परोस सकते, नहीं दिखा सकते, ताकि आप पर लोग जो हैं वो उंगली ना उठाएं ना ही बात करें, है ना? तो इसलिए वो सब चीजें ना करें, लेकिन ये सब चीजें वो करते हैं ताकि लोग जो हैं वो बात करें, क्योंकि बात करेंगे लोग तभी तो ये वायरल होंगे, ये वायरल होंगे तभी तो डॉलर आएंगे। तो ये स्क्रिप्ट जो है ना मोटू ने ही दे रखी है, इससे पहले उसने सबसे पहले सॉरी इससे पहले नहीं सबसे पहले उसने झूठी को ही दी थी कि बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े अभिनेता हैं, उनके ऊपर लोग बोलते हैं लेकिन वो बॉदर नहीं करते, ठीक है? वो मतलब ये सब चीजें देखने सुनने लग जाएंगे ना तो वो जिंदगी में कामयाब नहीं होंगे, फिर वो आगे नहीं बढ़ेंगे। मोटू ने ये बात समझाई और झूठी कहती जो हुक्म मेरे आका, तो वो समझ गई, है ना? ये वो बात थी। अब बारी आती है पुत्तन के ऊपर।
पुत्तन ने अभी फिर से स्टोरी स्टोरी खेलना स्टार्ट कर दिया। पुत्तन ने प्रॉपर टाइटल लगा लगा के, बदल बदल के, चेंज कर करके वो स्टोरी शेयर की है कि जो लोग मुझे कहते थे कि मायके वाले घर से निकाल देंगे, मेरी माँ ने मुझे घर बनाकर दे ही दिया। आखिर मेरे मायके वाले ही मेरे काम आए। मेरे मायके वालों के जैसे भगवान करे सबके मायके वाले हों। भगवान ना करे तुम्हारे जैसी स्थिति किसी की हो पुत्तन, भगवान ना करे तुम्हारे जैसा डम दिमाग किसी का हो पुत्तन, भगवान ना करे कि किसी को ऐसी दुख परेशानी झेलनी पड़े पुत्तन, भगवान ना करे किसी के बच्चे को अपने पिता से या फिर अपने माँ बाप का वो ये रूप देखना पड़े, है ना। मैं तो यही कहती हूँ कि आज नहीं तो कल तुम लोग भी एक हो ही जाओगे, लेकिन ये सब करतूते रही, इधर से स्टोरी कभी उधर से स्टोरी, यही चलता रहा, तो कल जो है ये जख्म भरने वाले नहीं, ये कुरेदे जा रहे हैं, है ना। तो ये सब चीजें मत करो, क्योंकि ये छोटी जितनी बातें हैं ना पुत्तन के दिल में दिमाग में, वो बहुत छोटी बातें हैं। इससे मतलब कि एक्चुअली में बातें होती क्या है वो पुत्तन को पता ही नहीं है, है ना। पुत्तन ये सब चीजें कर रही है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर किसने बनाया, कैसे बनाया, सबको पता है, और खुद के व्यूअर्स को भी पता है, पुत्तन के खुद के व्यूअर्स को भी पता है। ये लंबी लंबी चिट्ठियां उन्होंने भी लिखी हैं, क्योंकि उनको भी पता है कितना सपोर्ट पुत्तन ने फाइनेंशियली अपनी फैमिली को किया, ठीक है। और पूरा का पूरा फर्स्ट फ्लोर पुत्तन ने बनाया, क्योंकि अगर मदर ने ही बनवा के दिया होता तो मदर खुद से जाती सब चीजें देखती, लेकिन ये तो सबसे पहले ही तय हो चुका था। और खुद के ही एपिसोड में झूठी ने ये जो कायदे कानून बनाए गए हैं, इनके घर के रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या कौन कौन क्या क्या करेगा, ये खुद के एपिसोड में ही झूठी बता चुकी है। अब तो खैर वो सब चीजें हाइड है, कभी ना कभी तो ये पब्लिक करेंगी तो सबके सामने आएंगी ही, है ना। और पुत्तन उधर तुम जो है जाना चाहती हो ससुराल, और इधर तुम्हारी है ये वाली बात, है ना, क्योंकि तुम जो है इस समय अपना दिमाग फिर से पीछे छोड़कर मोटू की स्क्रिप्ट पर ही काम कर रही हो, ठीक है। अब क्या ही बोले तुम्हें यहाँ पर कि सारे का सारा घर तुमने बनाया, और कहने में तुमने एक बेड जो है गिफ्ट करके अपने किसको भाभी को ये कहते हुए सुनाई पड़ी कि ये कमरा जो है वो सेट कर दिया, और दूसरी बार कहते ना एक झूठ के पीछे 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, पुत्तन से वो झूठ जो है वो भूल गई, क्योंकि जो झूठा इंसान होता ना उसने पहले क्या बात कही थी वो भूल ही जाता है, ठीक है। जैसे कि पुत्तन ने कहा था ये तो चंपा का कमरा है ना, चंपा का कमरा सज गया, बेड लग गया उसकी पसंद का, लेकिन वहां तो आराम फरमा रहे हैं मोटू और छोटू, है ना। और एक चीज तुम्हारे मुंह से वो सच निकला कि ये तो गेस्ट रूम है, उधर मम्मी जी ने एक्चुअली में सच बोल ही दिया, 2 वक्त की रोटी भी बिटिया तू अकेली ऊपर बनाएगी खाएगी, क्योंकि मदर इंडिया का कहना है कि जो तू इस समय मेरे साथ करे ना हिल हुल वाली चपला चुपला पवा के, है ना, अगर मैं ऊपर गई तो फिर मैं ऊपर ही रह जाऊंगी, अगर नीचे रह गई तो नीचे, मतलब कि मदर इंडिया ने साफ कह दिया है कि तुम्हारा चौंका चूल्हा ऊपर ही है। अगर सच्ची में तुम्हारे ऐसे घर वाले हैं तो वो तुम्हारा चौंका चूल्हा अलग ना करते, 2-4 रोटियों का कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, है ना। तो बात तो ये है कि हम लोग क्या कोई भी इस टॉपिक पर बात भी ना करता अगर तुम्हारे वहां से कोई बात ना उठती, तो खुद के व्यूअर्स भी अब उनकी आंखें खुल रही हैं, वो चीजें वो देख रहे हैं सुन रहे हैं, है ना। मैंने पहले ही कहा कि पुत्तन तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने घर बना लिया, लेकिन अगर तुम वाकई में जमीन से जुड़ा हुआ घर साथ में बनाती वो ज्यादा अच्छा था, ठीक है। अभी तो तुम यहाँ पर हो, आज नहीं तो कल कहा सुनी कुछ तो बातें होंगी, जब वो 2 से 3 होंगे, है ना, और शायद वो जल्दी ही 2 से 3 हो जाए, है ना। तो पुत्तन बात तो फिर वही आ जाती है कि मायके वालों ने नहीं निकाला, बस उन्होंने इतना ही करा कि अपने घर में ना रखकर तुम्हें ऊपर वाले फ्लोर में भेज दिया, है ना। वो घर भी तुम्हें खुद से ही बनाना पड़ा, नहीं तो इतनी जल्दबाजी कोई नहीं मची थी, ठीक है, इतनी कोई काली नहीं थी, तुम भाभी के आने के बाद भी वो सब चीजें कर सकती थी, लेकिन तूने पूरा 1 साल पुत्तन ने इतना स्ट्रगल भरा था। आपको पता जब किसी के घर में मिस्त्री लग जाते हैं तो उसमें एक छोटा बच्चा भी है, उसमें आपको घर भी संभालना है। आप यहाँ पर ये देखिए पुत्तन ने अपनी फैमिली की कितनी सपोर्ट करी, आफ्टर मैरिज वो वीकेंड का वार खेलती थी, उसको आना पड़ता था, है ना, और फिर परमानेंट ही आ गई मम्मी के जाने के बाद ऑफिस, और भाई के जाने के बाद अपने काम पर पूरा घर संभालना,
कौन करता था, पुत्तनी तो करती थी ज्यादातर काम, बेशक मम्मी करके जाती थी, लेकिन बाकी तो सारा मैनेज पुत्तन को ही करना पड़ता था। और मिस्त्री जिनके घर पर लग जाए भाई, हाय तो वह मच जाती है वहां पे। तो हम लोगों को पता है ये सब चीजें, है ना। इसीलिए कहती हूँ कि पुत्तन ने बहुत स्ट्रगल कर लिया घर बनवाने में, लेकिन अब जो है वाह वाह नहीं लेना चाहती। लेकिन जैसे ही ठीक है अभी नहीं लोगी, थोड़े दिन बाद ले लोगी, है ना, क्योंकि होना तो वही है। जैसा कि घर बनाते ही वहां पर लेट गए आकर बेड पर गुलाब सिंह, मेरा अपना कमरा ऊपर चंपा के लिए सज गया, है ना। लेकिन उसके बाद गुलाब सिंह को ऊपर की शूटिंग बनाती, और अभी तक स्टिल अभी तक चंपा ने पूरा घर एक्सप्लोर करवाया, लेकिन ऊपर का फर्स्ट फ्लोर उसने एक्सप्लोर नहीं करवाया। टॉप पर भी वो चली गई टेरिस पर, लेकिन उसने फर्स्ट फ्लोर एक्सप्लोर नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि पुतन ये घर तूने खुद बनाया, क्योंकि हमेशा से तुम लोगों ने मोहर लगा रखी है, टैग लगा रखा है इस बात का कि जो परचेजिंग करेगा, जो जहां पर पैसा लगाएगा, वो ही बंदा एपिसोड बनाएगा, ठीक है। और यही चीजें जो है एपिसोड में खुद जूठी ने भी बताई थी, हम लोग कैसे मैनेज करते हैं जब वो चांदपुर थी, है ना, सब कैसे मैनेज करते हैं। एक कापी पेन लेके उसने अपने घर का भी सारा बताया था, और ये चीजें भी बताई थी घर कैसे क्या भेजते हैं। अब 15,000 के कोट पैंट के बाद मुझे लगता है ससुर जी ने अभी तक वो कोट पैंट भी नहीं उतारा होगा। पुत्तन पर तो मैंने अभी बात कर ली है, आप लोगों को बता भी दिया है कि पुत्तन आज नहीं तो कल अभी वाह वाही लुटवा रही है अपने मायके वालों को, लेकिन बाद में एक्चुअली में असली चेहरा सामने आ ही जाएगा। फिलहाल अभी एंड करने से पहले थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ वहां पर 15,000 के कोट पैंट पर ससुर जी के। अभी तक मुझे लगता है स्टिल उन्होंने पहना हुआ है, उतारा नहीं है, क्योंकि 15,000 का कोट पैंट है ना। क्योंकि आप लोगों ने भी ये चीजें देखी होंगी, शादी में हलवाई से लेकर सबको बताया गया जूठी की ओर से, लेकिन अब कोई भी बात नहीं हो रही है उनकी बेस्ट फ्रेंड की और फादर इन लॉ की, जिनके साथ कंपैरिजन करती हुई ये झूठी नजर आती थी, है ना। और अपने एपिसोड में भी फादर इन लॉ वगैरह को इसने वैसे अच्छे से नहीं दिखाया जैसे वो पहले दिखाती थी, कुछ तो बात है। और अभी तक जो है मायके में रहने नहीं गया ये मोटू, और छोटू इसलिए नहीं गया, छोटू ने तो कहा था जब भी हम जाएंगे थोड़े दिन वहां पर रहेंगे, और अब जब भी हम लोग वापस जहां एचपी आया करेंगे तो लैंड डायरेक्ट वहां पे किया करेंगे, क्योंकि अब हम लोगों को भी वहां पर कुछ रेनोवेट करवाना है, हमें भी अपना घर सजाना है। तो आप प्लीज हमें बताना कि मैं अपना इन लॉज हाउस कैसे सजा सकती हूँ, आप लोगों के सजेशन की जरूरत है भाई। हम लोग तो सलाह देते थक गए, मैं तो अभी भी कह रही हूँ, अभी भी तुम फ्री हो, है ना, बिल्कुल वेली हो इस समय, जो है मोटू भी फ्री है, तो तुम जाकर देख क्यों नहीं आते, कहाँ कहाँ पर तुम लोगों को कंस्ट्रक्शन करवानी है, रेनोवेट घर कराना है, कैसा कैसा बनाना है, थोड़ा सा तो होम टूर दो वहां का। लेकिन जाना ही नहीं है तो फिर हवा में बातें क्यों? अब बातें मुंह से निकल जाती हैं, वापस बातें मुंह में जा नहीं सकती, तो इसलिए तो कहती हैं झूठी सोच समझ कर बोला करो। इसलिए तुम्हारा नाम जो है वो सही रखा गया है झूठी, क्योंकि एक झूठ के पीछे ये 100 झूठ रोज ही बोलती है। तो यहीं तक का था मेरा भी छोटा सा वीडियो, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, क्योंकि मुझे आप लोगों के भी सजेशन की बहुत जरूरत है। आप लोगों ने देखा होगा अभी हमने जिस टॉपिक पर बात की, किसमें कितना झूठ परोसा गया था इनकी ओर से, ठीक है जी। तो मिलती हूँ कल एक अच्छे से एपिसोड के साथ, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।